हम ऐसे समय में रहते हैं जिसमें विश्वास और आध्यात्म बहुत ही ज्वलनशील। दोनों को एक साथ मत रखिए। ठीक है, पहले विश्वास की बात करते हैं। हम ऐसे समय में रहते हैं जिसमें विश्वास निश्चित रूप से ज्वलनशील और आसानी से राजनीतिक बनाई जाने वाली चर्चा बन गया है। अगर विश्वास को व्यक्तिगत होना चाहिए तो आज ऐसा नहीं है। आज वाकई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो किसी के विश्वास को ठेस पहुँचाने पर आधारित होते हैं। आपने अभी भोजन की बात की। मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा है कि भोजन में धार्मिक कुछ नहीं है, बस वो खाइए जो आपको पसंद है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा वो खाइए जो आपके लिए अच्छा है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं खुद को सुधार लेती हूँ, वो खाइए जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आज गोमांस प्रतिबंध की चर्चा को काफी राजनीतिक रंग दिया गया है जो विश्वास पर आधारित है। वो खाना निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है। गोमांस या कोई भी मीट, मैं उसकी बात करूंगा। आप सवाल पूरा कीजिए। ठीक है, तो मैं इसे एक उदाहरण के रूप में ले रही हूं कि विश्वास के आसपास राजनीतिक चर्चा कैसे होती है। आप लोगों के एक समूह के विश्वास और व्यक्तिगत आजादी में मिलाप कैसे करेंगे। मैंने पढ़ा है कि आप सलमान रश्दी की लिखी किताबें पसंद करते हैं। हम पहले देश थे जिसने उन पर विश्वास के नाम पर प्रतिबंध लगाया था। हम विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य कैसे लाएं? देखिए, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ हिला देता है। हाँ, लेकिन ये आपके दिमाग को जमा देता है। लेकिन आप इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अपराध कर सकते हैं वो है पहाड़ को हिलाना। आपको पहाड़ों को नहीं हिलाना चाहिए, उसे अपनी जगह होना चाहिए। वो बस कहीं से गिरा नहीं है, वो विकसित हुआ है, क्योंकि कई तरह की शक्तियां निश्चित रूप से काम कर रही हैं। जबरदस्त गतिविधि हुई है पहाड़ बनाने के लिए। आपको पहाड़ को कभी नहीं हिलाना चाहिए। लेकिन जिनके दिमाग जम चुके हैं वे हमेशा पहाड़ हिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, जब हम विश्वास की बात करते हैं, यह इस संस्कृति के लिए बाहरी चीज है। हमारे पास कभी भी इस संस्कृति में विश्वास नहीं था। आपको 1000 साल से थोड़ा पहले देखना चाहिए, जब से हम गुलाम रहे हैं। Here we have been told always, your life is your karma. यहाँ हमें बताया गया है कि आपका जीवन आपका कर्म है। कर्म मतलब काम। किसका काम? आपका काम। तो हम कह रहे हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से आपने बनाया है। कोई ऊपर बैठकर इसे आपके लिए चला नहीं रहा, ये पूरी तरह से आपका है। लेकिन हर काम जो आप करते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या ऊर्जा का काम हो, किसी भी तरह का आप काम करते हैं, उसका एक नतीजा होना तय है। अगर आप नतीजे के लिए तैयार हैं तो जो चाहे करें। आप नतीजा देखकर रोएंगे तो उस काम को अभी नियंत्रित करें। इसी पर आधारित है। आपने अभी भोजन की बात की। देखिए, भोजन को इस देश में बहुत ही ध्यान से समझा गया है। अगर आप बस इसे वापस ले आएं तो दुनिया सेहतमंद हो जाएगी। क्या आप समझे? यहां हमने अलग अलग तरह के लोगों को पहचाना है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाना चाहिए। शिक्षा से जुड़े होने पर क्या खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत होती है। आपको मिस्टर बोल्ट के साथ 100 मीटर भागने हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आप बस दिल्ली में काम करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आपको एक निश्चित तरीके से सोचना है तो आपको क्या खाना चाहिए। इन सभी के लिए हमारे पास स्पष्ट निर्देश हैं। जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। आपका जीवन क्या है और वो जीवन क्या है, अगर आप ये देखें, दुनिया का हर जीवन धरती से आता है। वो शरीर भी वही मिट्टी है, ये शरीर भी वही मिट्टी है। अगर एक केंचुआ हो तो वो भी वही मिट्टी है। लेकिन देखिए, ये कैसा बन गया है, ये कैसा बन गया है और वो कैसा बन गया है। अगर मैं आपको केला पसंद है? आम? आम, आम। मुझे पता है आप इस समय राज्य चला रहे हैं। अब अगर आप एक आम खाती हैं तो वो आम आप में स्त्री बन जाता है। अगर मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में पुरुष बन जाता है। अगर एक गाय आम खाती है तो वही आम उस गाय में गाय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सॉफ्टवेयर है। आप जो भी खाती हैं वो उसे स्त्री बना देता है। अगर मैं खाता हूं तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वजह से चल रहा है। या आधुनिक शब्दों में इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक निश्चित सॉफ्टवेयर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच यह है
कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप वैसा जीवन खाएंगे जो बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता काफी अच्छी होगी। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जटिल होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा जटिल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता कम होती है। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कुछ क्षमता है, अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। यही समझ है। एक जानवर जिसमें भावनाएं हो, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी। दूसरे शब्दों में, भारत में आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गांव में देखेंगे कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उन्होंने उस गाय का दूध पिया है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पीते हैं। एक बहुत गहरा रिश्ता है। शायद आप न जानती हो, गाय एक ऐसा जानवर है कि अगर आपको कुछ होता है और आप किसी तरह के दुख में हैं, तो आपको गाय के पास होने की जरूरत नहीं है। गाय आपके घर में जहां भी हो, वो आपके लिए आंसू बहाने लगेगी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब घर में कोई मर जाता है, गाय को कैसे पता वो कहीं और है, पर बस आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं, तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है। तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता, इसमें गलत क्या है? गलत क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कई अन्य जानवरों के बारे में भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ना कि सिर्फ गाय के बारे में। और अब ये सिर्फ गाय की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि ये राजनीतिक या धार्मिक निर्णय है। बात ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि मांस खाना क्रूरता है, वो एक अलग बहस होगी। मैं क्रूरता की भी बात नहीं कर रहा, एक पेड़ को काटना भी क्रूरता है मेरे अनुभव में, लेकिन आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप उसे कम से कम करेंगे, न कि निर्दयता से। यही सब कुछ है। अब इस राजनीतिक प्रतिबंध की बात करें, गोमांस या जो भी, इससे कई चीजें जुड़े हैं। एक चीज है संवेदनशीलता। आपने उस गाय का दूध पिया है, वो आपकी मां की तरह है। अपनी मां को मारना और खा लेना एक ऐसी चीज है जो इस देश में लोग हजम नहीं कर सकते। आज भी 80% लोग उस श्रेणी में आते हैं, और उनमें एक जबरदस्त भावना है, बहुत जबरदस्त भावना। पर क्योंकि उन्हें एक तरह से विनम्र बनाया गया है, इसलिए उन्होंने आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन कुछ जगहों में ऐसा हुआ है, गांव और अन्य जगहों में, बहुत से गांव में पहले से ही गोमांस प्रतिबंधित है। बस ये तय है, न कि कोई कानून है कि आप ऐसी चीजें गांव में न लेकर आए। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर प्रतिबंध लगाएं या न लगाएं, मैं कह रहा हूं कि आपकी आबादी की संवेदनशीलता समझे बिना आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बढ़ रहा है, यह व्यापार विकसित हो रहा है, भारत गोमांस का एक बड़ा निर्यातक बन रहा है, यह ठीक नहीं है। अगर कोई कुछ खाए भी तो ये उनका निजी शौक है, लेकिन अब आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं और इसे विकसित कर रहे हैं, ये एक गंभीर चिंता है। लेकिन हमारे लोग इसे प्रकट नहीं करते, वे सड़क पर जाकर किसी को मारेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने एक गाय को मार दिया। तो प्रतिबंध की जरूरत नहीं है, मोर एजुकेशन वाज नीडेड रादर देन बैनिंग, ज्यादा शिक्षा की जरूरत है बजाय प्रतिबंध के। लेकिन आपने इस बारे में बात नहीं की कि विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बार बार टकराव होता नजर आता है। किताब पर प्रतिबंध लगा, लोगों को पेरिस में मार दिया गया क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अनादर किया, तो ये कहाँ खत्म होगा? देखिए, हम धर्म के नाम पर हिंसा और राजनीति को कैसे रोकेंगे? अगर आप इसे रोकना चाहती हैं, आपको समझना चाहिए। आप कह रही हैं आज, ये आज नहीं हुआ है, पिछले 2000 सालों से विश्व का यही इतिहास है, लगातार ये हो रहा है पूरे विश्व में। सुसाइड बॉम्बर नए हैं। देखिए, आप धर्म युद्ध और अन्य चीजें भूल गई हैं जिन्हें इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। करोड़ों लोगों को मारा गया भगवान के नाम पर, ठीक है, ये हमारे लिए नया है, लेकिन यहां भी हजारों लाखों को भारत के उत्तरी हिस्सों में मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वे किसी में विश्वास करते थे। जब हमले हुए थे, कोई भी उनके बारे में नहीं लिखता क्योंकि हमने खुद नहीं लिखा, किसी और ने हमारे लिए इतिहास लिखा जैसे उन्हें पसंद था, क्योंकि इतिहास राजाओं द्वारा प्रायोजित किया जाता है।
इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा और वे कहते हैं वे महान राजा हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किए वो बिल्कुल भयंकर थे। तो आपको समझना होगा कि विश्वास हमारे लिए नया है। नए से मेरा मतलब है इस देश में जिसमें 12 से 15 हजार सालों का इतिहास है, हजार साल हमारे लिए नया है। हम अब भी इसे स्वीकार नहीं कर पाए हैं, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर संघर्ष कर रहे हैं, न कि बाहर सड़क पर संघर्ष, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। क्योंकि यहां हमारे अंदर ये गहराई से डाला गया है कि आप जो भी करेंगे उसका आपके लिए एक नतीजा होगा। अगर आप फिर से जीवन लेते रहेंगे तो भी ये आपको नहीं छोड़ेगा, ये आपके पास लौट कर आएगा। ये बताया गया है, ये लोगों को नियंत्रित करता है, ये जबरदस्त तकनीक है। प्लीज ये समझिए, ये कोई नकली चीज नहीं है, ये वास्तविक चीज है। हर चीज जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, उसका नतीजा होता है। इसलिए नहीं कि कोई बैठा सोच रहा होगा कि उसे आपको एक इनाम या सजा देनी चाहिए, ये आपकी अपनी केमिस्ट्री। भारत अकेला देश है जो गौ भक्त है। भारत भी पूरा नहीं, सिर्फ हिंदू, न ईसाई, न सिख, न जैन, न मुसलमान, न पारसी, इन सबको छोड़ दो, सिर्फ हिंदू। और हिंदू ही सिर्फ भारत नहीं, हिंदुओं की संख्या तो 20 करोड़ है, बाकी 50 करोड़ लोग और भी इस देश में। ये हिंदुओं की धारणा को बाकी 50 करोड़ लोगों के ऊपर थोपने का किसको अधिकार है? और विनोबा भावे ने जो अनशन किया था उसको मैं हिंसा मानता हूं, वो जबरदस्ती, वो हिंदुओं की जबरदस्ती। फिर जिन्ना ठीक ही कहता था कि अगर भारत एक रहा तो हिंदू जबरदस्ती करेंगे, वो जबरदस्ती दिखाई पड़ती। फिर तो जिन्ना ठीक था और गांधी गलत थे, अच्छा किया उसने कि पाकिस्तान तोड़ लिया। फिर तो सिख भी ठीक है, वो उनको भी सिखिस्तान तोड़ लेना चाहिए। फिर तो ईसाई भी ठीक है, उनको भी कहना चाहिए हमें ईसाई स्थान अलग कर दो, और जैनियों का अपना जैन स्थान अलग कर लेना चाहिए, और पारसियों को कहना चाहिए बंबई हमारी। फिर हिंदू अपनी गौ रक्षा करें जो उनको करना, सब गौओं को ले जाएं और रक्षा करें जो उन्हें करना करें। ये देश सबका है, इसमें हिंदू धारणाओं को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। हिंदू धारणा थोपनी मगर बातें ऊंची कर रहे हैं, बातें अहिंसा की कर रहे हैं, और हिंसा करने का आग्रह, ये क्या है? विनोबा का अनशन करना कि मैं मर जाऊंगा अगर गौ हत्या पर निषेध नहीं लगाया गया, ये हिंसा की धमकी। किसी को मारने की धमकी दो या मरने की धमकी दो, बात तो एक ही। किसी की छाती पर छुरा रख दो या अपनी छाती पर छुरा रख लो और कहो कि मैं मर जाऊंगा, ये बात तो एक ही है। इसमें कुछ भेद नहीं है, इसमें कुछ अहिंसा नहीं है, ये शुद्ध हिंसा है और जबरदस्ती। और एक आदमी जबरदस्ती करे और सारे देश पर अपनी इरादे को थोप देना चाहे, ये कैसा लोकतंत्र है? हिंदुओं को गौ बचानी बचाएं, कौन मना करता है? कल मुसलमान कहने लगेंगे सब तक खतना होना चाहिए, वो भी खतने के लिए आधार खोज सकते। यहूदियों ने खोज लिए, शंभु महाराज, यहूदियों ने किताबें लिखी कि खतने के बड़े फायदे। उन फायदे में एक फायदा उन्होंने ये गिनाया है कि जब व्यक्ति का खतना किया जाता है तो उसकी बुद्धि विकसित होती। और उनके दावे कि दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों को मिलती, क्यों? क्योंकि उनके खतने होते। और खतना जल्दी करना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतना फायदा। इसलिए मुसलमान का खतना तो जरा देर से होता है, उसको यहूदी नहीं मानते। यहूदी तो मानते बच्चा पैदा हो, जितनी जल्दी खतना हो उतना अच्छा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जननेन्द्रिय से हट के एकदम मस्तिष्क में प्रवेश हो जाती। क्योंकि जब उसकी जननेन्द्रिय की चमड़ी काटी जाती तो ऊर्जा एकदम सरक जाती जननेन्द्रिय से मस्तिष्क में, और प्रतिभा पैदा हो जाती। अगर इस तरह की बेवकूफियों को एक दूसरे पर थोपने का आग्रह शुरू हो जाए तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जीव दया है। तो मच्छर क्यों मारते हो? और ये कैसी जीव दया है? दया करनी हो तो मच्छर पर करो तो कुछ पता चले, क्योंकि गौ को तो तुम शोषण करते हो, उसके बछड़ों के लिए जो दूध है वो खुद पीते हो और कहते हो कि गौ भक्त हूं मैं, गौ को माता कहते हो, और उसके असली बेटों से वंचित करते हो, उसके असली बेटों को भूखा मारते हो। शंभु महाराज दूध पी रहे हैं और नंदी महाराज भूखे बैठे, और असली बेटा नंदी महाराज, शंभु महाराज नहीं, नंदी महाराज बैठे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जरा नंदियों से तो पूछो, तो वो कहेंगे कि बाबा ये दूध हमारे लिए है। अगर तुम्हारी गौ भक्ति इतनी बड़ी है तो अपनी स्त्रियों का दूध बछड़ों को पिलाओ तो समझ में आएगा गौ भक्ति। ये कैसी गौ भक्ति कि दूध पी रहे उनका, चूस रहे गौओं को और बातें कर रहे गौ भक्ति? फिर तो मच्छरों की भक्ति करो, मच्छर भक्त हो जाओ, क्योंकि मच्छर तुम्हारा खून चूसते, तब पता चलेगा भक्ति का। लेट जाओ खाटों पर नंग धड़ंग, चूसने तो मच्छरों को, खटमलों को पिलाओ खून,
और कहो कि ये, तब मैं कहूंगा कि ये भक्ति, क्योंकि भक्ति में कुछ तुम दो तो भक्ति। ये कैसी भक्ति को उल्टा ले रहे हो? गऊओं से तो पूछो कि तुमने उनकी क्या गति कर दी। सारी दुनिया में गऊओं की हालत बेहतर है भारत को छोड़कर। भारत अकेला देश है जहां गऊओं की सबसे दयनीय दशा है। हड्डी हड्डी हो रही है, मांस सूख गया है और लोग दूध खींचे जा रहे हैं, निचोड़े जा रहे हैं, निकलता भी नहीं कुछ। दो पांव निकल आए तो शेर भर निकल आए तो गजब। स्वीडन में एक गाय उतना दूध देती जितनी भारत में 40 गायें देती, और स्वीडन में कोई लोग गौ भक्त नहीं, स्विट्जरलैंड में कोई गौ भक्त नहीं। अब यहां मेरे पास सन्यासी सारी दुनिया से आए हुए। विवेक मुझसे बार बार कहती कि अगर आप एक दफा पश्चिम की गाय का दूध पी ले तो फिर गाय का दूध, भारत का दूध तो पीने जैसा ही नहीं, न इसमें स्वाद है। क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि हमने तो कभी सुना ही नहीं था पश्चिम में कि दूध में वो शक्कर मिलाई जाती। दूध खुद ही इतना मीठा होता है, उसमें शक्कर मिलाने की बात ही बे होती, और दूध इतना गाढ़ा होता है, इतना पौष्टिक होता है। और ये कोई गौ भक्त देश नहीं है, लेकिन कारण है उसका। उतनी ही गऊएं बचाते हैं वो जितनी गऊओं को ठीक पोषण दिया जा सके, ठीक जीवन दिया जा सके, सुविधा दी जा सके। तुम गऊओं को क्या दे रहे हो और तुम बातें दया की कर रहे हो? ये ज्यादा दयापूर्ण होगा कि ये मरती हुई गऊओं को सड़कों पर सड़ने की बजाय, पिंजड़ा पोलों में सड़ने की बजाय मुक्त कर दो इनकी सड़ी गली देश, इनको मुक्त कर दो। यही मैंने कहा था, वो सून को अड़चन हो गई, बेचैनी हो गई। मैंने इतना ही कहा था कि भारत उतनी ही गऊएं बचा ले जितनी गऊएं बचा सकते हैं हम। जब ज्यादा बचा सकेंगे तो ज्यादा बचा लेंगे, ये दया का काम होगा। लेकिन उन्होंने क्या तरकीब निकाली? उन्होंने ये तरकीब निकाली, इसका तो मतलब ये हुआ कि भारत में फिर 40% लोगों को छोड़कर 60% तो दीनहीन है, तो इनकी भी हत्या कर दी जाए। मैं नहीं कहूंगा कि इनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन अगर तुमको गऊएं बचानी तो इनकी हत्या हो जाएगी, तुम इसके लिए जिम्मेवार होगे। अगर भारत में थोड़ी वैज्ञानिक बुद्धि का उपयोग किया जाए तो भारत की 60% जनता भी सुखी हो सकती, आनंदित हो सकती। और अगर मेरी बात न सुनी गई और शंभू महाराज जैसे लोगों की बातें सुनी गई तो वो 60% जनता, मैं तो नहीं कहता कि मारी जाए, लेकिन प्रकृति मार डालेगी। अकाल में मरेगी, भूख में मरेगी, बाढ़ में मरेगी, बीमारियों में मरेगी। इस सदी के अंत में तुम देख लेना, इस सदी के पूरे होते होते भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अकाल पड़ने वाला है, सारे दुनिया के वैज्ञानिक घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि इस सदी के पूरे होते होते भारत की संख्या चीन से आगे निकल जाएगी, 1 अरब का आंकड़ा पार कर जाएगी। और 1 अरब का आंकड़ा पार करते ही तुम्हारी क्या हालत होगी? अभी ही तुम अधमरे हालत में हो। 1 अरब का आंकड़ा पूरा हुआ कि भारत में महाभयंकर बीमारियां, अकाल फैलने वाला है। प्रकृति मारेगी, मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, परमात्मा मारेगा। अगर उस घटना के पहले कुछ कर सकते हो तो समझने की कोशिश करो। भारत के मन को व्यर्थ की उलझनों में ना उलझाओ कि गौ हत्या बचानी है और शराबबंदी करवानी है और चरखा चलवाना है, इन पागलपन की बातों में ना उलझो। बड़े उद्योग बनाओ, विज्ञान ने पूरे साधन खोज दिए, उन साधनों को लाओ, चरखे में मत अटके रहो। उतनी ही गऊएं बचा लो जितनी तुम अभी बचा सकते हो। हाँ, कल जब हम ज्यादा बचा सकेंगे तो ज्यादा बचाएंगे। पहले आदमी को बचाओ, फिर दूसरी बात है। साबार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नाई। सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य को बचाने के लिए और सब भी नष्ट करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मनुष्य को बचाना जरूरी। क्योंकि मनुष्य बच जाए तो शेष सबको फिर से पुनरुज्जीवित किया जा सकता है, लेकिन अगर मनुष्य मर जाए तो कौन तुम्हारी गऊएं बचाएगा, और कौन तुम्हारी भैंस बचाएगा, और कौन तुम्हारी धर्म और संस्कृति और महानतम बातों को बचाएगा, कौन तुम्हारे वेद उपनिषद गुरु ग्रंथ को बचाएगा? ये पागलपन की बातें छोड़ो। ये पागलपन की बातों को मैं सीधा पागलपन की बातें कह देता हूं, इससे उनको एकदम आग लग जाती। लोगों को थोड़ी जीने की स्वतंत्रता दो, थोड़ी सांस लेने की स्वतंत्रता दो, वह भी नहीं हो पा रहा है। खाने पीने की तक स्वतंत्रता नहीं। मैं शराब का विरोधी हूं, लेकिन शराब बंदी का पक्षपाती नहीं, क्योंकि यह तो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीना ही चाहता है तो उसे पीने का हक है।
यद्यपि हमें फिक्र करनी चाहिए तो उसे पूरी तरह ज्ञात हो कि शराब के क्या क्या नुकसान है। देश में हवा होनी चाहिए कि शराब के नुकसान क्या क्या है, लेकिन फिर भी कोई तय करे पीने का तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। किसी एक आदमी को क्या हक है? मुरारजी देसाई शराब के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या हक है कि अपनी जिद को, अपनी हट को सारे देश की छाती पे थोप दें। कल समझ लो कोई शराबी मुल्क का प्रधानमंत्री हो जाए और कहे सबको शराब पीना पड़ेगा, तब तुम कहोगे कि ये कैसा लोकतंत्र हुआ? तुम्हें पीना हो पियो, न पीना हो न पियो, तुम्हें जो ठीक लगता हो उसका प्रचार करो, हवा पैदा करो, लोक मत बनाओ, लेकिन जबरदस्ती क्यों? मैं कोई गौ हत्या का पक्षपाती नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की धमकियां देना हिंसात्मक है। बकरों की हत्या हो विनोबाजी को कोई फिक्र नहीं, विनोबाजी जरा अपने गुरु महात्मा गांधी की याद करो जिंदगी भर बकरी का दूध पीकर जिए। बकरियां कटती रहे, बकरे कटते रहे, कोई मतलब नहीं। बकरी बकरे जैसे मुसलमान, गाय हिंदू है, ये भी खूब रहा। बकरे बकरियों को पता ही नहीं वो कब मुसलमान हो गए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका वातावरण पैदा करो। फिर भी अगर लोग कुछ मांसाहार करना ही चाहते तो उनके जबरदस्ती से रोकना तो गलती बात है। फिर तो कल कोई जैन अगर सत्ता में होगा तो वो कहेगा मछली भी मत खाओ, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कहेगा कि प्याज भी मत खाओ, आलू भी नहीं, क्योंकि जैन धर्म में जमीन के नीचे गड़ी हुई सब चीजें वर्जित है, उन्हें खाने से पाप होता। तो आलू, मूली, गाजर, सब पाप। प्रत्येक को अपने ढंग से जीने दो। लोकतंत्र का अर्थ यह होता है जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में बाधा ना डालने लगे तुम बाधा ना बनो। लोकतंत्र का अर्थ नकारात्मक होता है, और जो करने योग्य है वो तो करेंगे नहीं। संतति नियमन होना चाहिए वह तो करेंगे नहीं, शराब बंदी होना चाहिए। जैसे शराब बंद हो जाएगी तो देश की समस्याएं हल हो जाएंगी, तुम सोचते हो? गरीबी मिट जाएगी, बीमारी मिट जाएगी, अशिक्षा मिट जाएगी। गौ वध बंद हो जाएगा तो तुम सोचते हो देश की समस्याएं मिट जाएंगी, गरीबी मिट जाएगी, एकदम धन की वर्षा हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो अमेरिका जैसे देश को तो दुनिया का सबसे गरीब देश होना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या चलती। लेकिन ये तरकीबें हैं तुम्हारे मन को उलझाने की। गौ हत्या की बंदी होनी चाहिए ये सुन के हिंदू खुश हो जाता है, वोट दे देता है। गौ हत्या के होने से नहीं होने से कोई समस्या का हल नहीं। और याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं गौ हत्या होनी चाहिए, लेकिन एक वातावरण होना चाहिए, सुसंस्कार की एक हवा पैदा होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं। आज इतना ही।